हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज की ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली दोस्तों, जिसके अंदर अपन राजस्थान की चित्रकला से संबंधित क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों इससे पहले मैंने चित्रकला से संबंधित दो वीडियो अपलोड कर दी दोस्तों, जिसके अंदर अपन 20 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद आज की जो वीडियो दोस्तों, इस 21 से लेकर अपन 30 तक क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि राजस्थान की चित्रकला से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो दोस्तों आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, वो कौन सा है? मेवाड़ के किस शासक ने चित्तौड़ की ओवरी नामक एक चित्रशाला की स्थापना की, जिसे तस्वीरा रो कारखानों के नाम से जाना जाता है? दोस्तों मेवाड़ के किस शासक ने दोस्तों चित्तौड़ की ओवरी नामक एक चित्रशाला की स्थापना की, जिसे तस्वीरों रो कारखाना के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चित्तौड़ की ओवरी का निर्माण किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, महाराणा जगत सिंह के द्वारा चित्तौड़ की ओवरी का निर्माण किया गया दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली के रूप में किस चित्र शैली को जाना जाता है? दोस्तों राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली के नाम से कौन सी चित्रकला को जाना जाता है? दोस्तों कौन सी शैली को जाना जाता है, मूल शैली कौन सी दोस्तों राजस्थानी चित्रकला की? तो दोस्तों यहाँ पे अपना जो राइट आंसर होने वाला वो कौन सा हो जाएगा? मेवाड़ चित्रशैली है, जो कि अपने राजस्थान की मूल चित्रशैली मानी जाती है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नाथद्वारा शैली के पेंटिंग्स को सामान्यतः कहा जाता है? दोस्तों नाथद्वारा की जो शैली है दोस्तों, जो उसकी पेंटिंग है दोस्तों, उसको किस नाम से मतलब कि जाना जाता है, और उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे पिछवइयाँ के नाम से दोस्तों नाथद्वारा शैली को जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। कलीला दमना है दोस्तों, कलीला दमना क्या चीज़ है दोस्तों? ये क्या, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें कलीला दमना क्या चीज़ है? मेवाड़ की कहानियों के दो पात्र के नाम है, या फिर दो प्रसिद्ध शायरों के नाम है, या फिर अजमेर दरगाह के देगू के नाम है, या फिर इंदिरा गांधी नहर के दो शाखाओं के नाम? दोस्तों तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अपना ए ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। ये मेवाड़ शैली की जो कहानियाँ हैं उसके दो पात्र है दोस्तों। ठीक है, कलीला दमना मेवाड़ क्षेत्र की कहानियों के दो पात्र हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। मेवाड़ चित्रशैली की प्रमुख चित्र रागमाला चित्रित, जिसका अजायब घर किस अजायब घर में सुरक्षित रखा गया? दोस्तों एक मेवाड़ क्षेत्र की चित्रशैली है दोस्तों, उसकी प्रमुख चित्रशाला चित्र है दोस्तों, उसका रागमाला चित्र है, जो कि दोस्तों इसको किस अजायब घर में सुरक्षित रखा गया? दोस्तों मेवाड़ चित्रशैली की प्रमुख चित्र रागमाला चित्र दोस्तों, इसे किस अजायब घर में सुरक्षित रखा गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसे दिल्ली के अंतर्गत सुरक्षित रखा गया दोस्तों। ठीक है, जो रागमाला चित्र है मेवाड़ की, इसे दिल्ली के अजायब घर में सुरक्षित रखा गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। कमल से भरे सरोवर किस शैली की विषय है दोस्तों? दोस्तों एक कमल से जो भरे सरोवर है, ये कौन सी शैली के विषय है दोस्तों? कौन सी शैली के अंतर्गत दोस्तों ये चित्र बनाए गए, कमल से भरे सरोवर? तो दोस्तों अपना यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमल से भरे सरोवर कौन सी शैली से संबंधित है? किशनगढ़ शैली से संबंधित होने वाले दोस्तों। ठीक है, यहाँ की बाणीखंडी शैली भी प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, और कमल से भरे सरोवर भी दोस्तों किशनगढ़ की शैली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए। चित्रकला की किशनगढ़ शैली में मुख्यतः किस वृक्ष को चिन्हित किया गया दोस्तों? दोस्तों किशनगढ़ की जो शैली है उसके अंदर मतलब कि कौन से वृक्ष को सबसे ज़्यादा चिन्हित किया गया दोस्तों? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या होने वाला दोस्तों? किशनगढ़ की शैली में मुख्यतः केला वाला जो वृक्ष है दोस्तों, इसको मतलब कि सबसे ज़्यादा चित्रित किया गया या फिर चिन्हित किया गया दोस्तों। ठीक है, किशनगढ़ का जो संबंध किससे है दोस्तों? केले के वृक्ष से। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। सेल चित्रों के लिए प्रसिद्ध स्थल आलनिया किस जिले में स्थित है दोस्तों?
सेल चित्रों के लिए प्रसिद्ध स्थल है दोस्तों, जिसका नाम है आलणिया। ये कौन से जिले में आता है दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा, सेल चित्र से संबंधित जो आलणिया क्षेत्र वो कौन से जिले में? कोटा में। जहाँ पे शिकार चित्र शैली का संबंध है दोस्तों कोटा से है, बाकी सेल चित्रों का संबंध भी दोस्तों कोटा से हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पशु पक्षियों को महत्व देने वाले स्कूल ऑफ पेंटिक्स का नाम क्या दोस्तों? पशु पक्षियों को महत्व देने वाली स्कूल ऑफ पेंटिंग्स का क्या नाम है दोस्तों? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बूंदी की जो शैली है दोस्तों वो पशु पक्षियों को महत्व दिया गया इस शैली के अंतर्गत, इसीलिए इसको दोस्तों स्कूल ऑफ पेंटिंग्स या पशु पक्षियों की शैली के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए और लास्ट क्वेश्चन है, आदमकद पोर्ट्रेट किसकी विशेषता है दोस्तों? दोस्तों ये जो आदमकद पोर्ट्रेट वाली जो विशेषता चित्र शैली की, वो कौन सी शैली की विशेषता दोस्तों? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आदमकद जो पोर्ट्रेट वाली चित्र शैली है दोस्तों, ये अपनी जयपुर चित्र शैली से संबंधित हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। इसके लिए एक और वीडियो आएगी दोस्तों चित्रकला से संबंधित, फिर अगला जो टॉपिक रहेगा दोस्तों अपना राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में रहेगा, ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।